नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आई है कि मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर एंजियोप्लास्टी सर्जरी उनकी पूरी हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है। हालांकि सर्जरी के बाद डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जब तक रेमो डिसूजा को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आपको बता दें, रेमो डिसूजा जाने माने कोरियोग्राफर है और उन्होंने अब तक कई सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया है, साथ ही साथ कई रियलिटी शो को भी उन्होंने बतौर जज उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। जहां पर डांस इंडिया डांस की बात करें तो वहां पर भी वो बतौर जज काम कर चुके हैं। डांस प्लस की बात करें तो वहां पर भी वो बतौर जज काम कर चुके हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट डांसर हो, एबीसीडी हो और फालतू फिल्म से उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद कुछ डांसर्स के साथ जो डीआईडी में थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एबीसीडी फिल्म का निर्माण किया था। उसके बाद स्ट्रीट डांसर उन्होंने हाल ही में फिल्म बनाई है। आपको बता दें कि रेमो डिसूजा कई समय से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया है। उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है और फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर ये जो खबर सामने आई है, उसके बाद से लगातार उनके प्रशंसक जो है ये दुआ करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द रेमो डिसूजा ठीक होकर हमारे बीच आ जाए। अभी फिलहाल अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी तबीयत में कितना सुधार हुआ है कितना नहीं। सिर्फ सर्जरी की बात सामने आई है और सर्जरी में जो बात सामने आई है वो यह है कि एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। उनकी पत्नी अभी उनके साथ है, वहीं सभी प्रशंसक उनके अभी काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रेमो डिसूजा का जन्म कर्नाटक के बैंगलोर में हुआ था। उनका असल नाम रमेश यादव था। हालांकि डांस के करियर में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल भी किए हैं। शुरुआती दिनों में वो बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया करते थे, जिसके बाद उन्हें डांसिंग फील्ड में आने का मौका मिला। उसके बाद उन्हें डीआईडी में पहला ब्रेक मिला जब उन्हें बतौर जज काम करने का मौका मिला। उसके बाद वो अपना खुद का शो स्टार प्लस पर लेकर आए, जिसका नाम डांस प्लस है। डांस प्लस के कई सीजन्स आपने देखे होंगे। इसके साथ ही स्टार प्लस पे आने वाले नच बलिए को भी उन्होंने होस्ट किया है। कलर्स पे आने वाले कई शोज को भी उन्होंने होस्ट किया है। हम आशा करते हैं कि रेमो डिसूजा जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच आ जाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।